हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्स सो लेट्स बिगिन आवर सेशन और फर्स्ट टॉपिक इज हीट इंडेक्स तो हम जानेंगे हीट इंडेक्स के बारे में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई एम डी हैज अनाउंस प्लान टू लॉन्च अ कंपोजिट इंडेक्स नेक्स्ट ईयर टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन इंडियन पॉपुलेशन जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी उन्होंने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे कंपोजिट इंडेक्स को नेक्स्ट ईयर ताकि मेजर किया जा सके जो प्रभाव पड़ रहा है हीट का इंडिया के पॉपुलेशन के ऊपर हीट इंडेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट इट रियली फील्स वेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज फैक्टर इन विद एक्चुअल एयर टेम्परेचर जो हीट इंडेक्स है ये कॉम्बिनेशन है एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ये मेजर करता है कि कितना हॉट है रियली really फील हो रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को फैक्टर करते हुए एक्चुअल एयर टेम्परेचर के साथ मकसद क्या है इस न्यू इंडेक्स का टू ट्वेंटीफाई द इम्पैक्ट ऑफ हिट ऑन इज पॉपुलेशन एंड जनरेट इम्पैक्ट बेस्ड हिट वेब अलर्ट फॉर स्पेसिफिक लोकेशन ये ट्वेंटीफाई करेगा जो प्रभाव पड़ रहा है हिट का उनके पॉपुलेशन के ऊपर और जनरेट करेगा इम्पैक्ट बेस्ड हिट वेब अलर्ट को स्पेसिफिक लोकेशन के लिए पैरामीटर जिसको उपयोग किया जाएगा इंडेक्स को तैयार करने के लिए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या सिग्निफिकेंस है इसका एनालिसिस विल हेल्प जनरेट हीट एजॉट स्कोर विच विल यूज एज ए होल्ड टू इश्यू इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेब अलर्ट फॉर स्पेसिफिक लोकेशन ये जो एनालिसिस है ये मदद करेगा जनरेट करने में हीट एटाट स्कोर को जिसका उपयोग किया जा सकेगा थ्रेश के तौर पर इश्यू करने के लिए इम्पैक्ट वेस्ट हीट वेब अलर्ट को स्पेसिफिक लोकेशन के लिए

जो आईएमडी का डाटा है इसके अनुसार 24 परसेंट इंक्रीज हुआ है जो नंबर है हीट वेब का 2010 से 2019 के दौरान अगर हम इसको कंपेयर करें 2000 से 2009 के लेवल से तो 2000 से 2019 के समय पे जो मोर्टेलिटी रेट है टॉपिकल साइक्लोन के कारण ये गिरा है 94 परसेंट तक जबकि आपका हीट वेब के, के केस में सिक्सटी का इंक्रीज देखा गया है हीट वेब जो है उसको नहीं नोटिफाई किया गया है डिजास्टर के तौर पर नेशनल लेवल पे कंट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है हीट वेब का तो हिट वेब के कारण क्रेम्स एग्जॉस्टन स्ट्रेच हिट स्ट्रोक और काफी सीवियर हिट वेब के कारण डेथ भी हो सकता है एल्डरली चिल्ड्रेन और पीपल जिनको हर्प या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है किडनी डिजीज या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं वेव से एक्सट्रीम पीरियड जो है हाई टेम्परेचर का इस कारण सिग्निफिकेंट रिडक्शन होता है क्रॉप के इल पे भी और इसके कारण रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है बहुत सारा क्रॉप का अब हम आईएमडी के बारे में भी जान लें क्योंकि ये इसी को तैयार कर रही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फाउंडेड इन एटीन सेवेंटी फाइव हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ ऑल साइंस इज द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी इन इंडिया जो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको फाउंड किया गया था 1875 के समय में ही हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसके प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन वेजर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी के लिए भारत में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है रिसेंटली इंडिया इज ऑफिशियली बिगेन दी ऑपरेशन ऑफ सीट वे पोर्ट इन म्यांमार बाई फ्लैगिंग ऑफ ए वैसल कंटेनिंग वन थाउजेंड मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता अभी हाल ही में इंडिया ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन को जो सिटवे पोर्ट है म्यांमार का वहां से फ्लैग ऑफ करके वेसल को जो कंटेन कर रहा था 1000 थाउजेंड मेट्रिक टन सीमेंट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से कोलकाता के तो सिटवे पोर्ट कहां पे है ये पोर्ट कहां पे है आपको याद होना चाहिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कालाडान मल्टीमोडल तंजी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है कनेक्ट करता है ईस्टर्न इंडियन सीपोर्ट जो है कलकत्ता का उसको सी सीपोर्ट से राखेने स्टेट म्यांमार से सी के माध्यम से इन म्यांमार इट विल देन लिंक द सी सीपोर्ट टू पलाटवा इन स्टेट वाया कालाडन रिवर बोट रूट एंड देन फ्रॉम पलाटवे बाय रोड टू मिजोरम स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार में उसके बाद ये इसको लिंक करता है सीट वे सीपोर्ट को पालेटवे इन चीन स्टेट वाया कालादान रिवर बोट रूट से और पलटवे से ये जो रोड है मिजोरम स्टेट का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उससे इसको ये कनेक्ट करता है रूट की अगर हम बात करें तो कोलकाता से इंडिया के सिटवे म्यांमार के पायलेटवे म्यांमार के होते हुए इंडियन म्यांमार बॉर्डर तक पहुंचता है क्या सिग्निफिकेंस इस रोड का रिड्यूस डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता जो सीट बाय अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट किलोमीटर आप सोच सकते होंगे कि जो डिस्टेंस है कोलकाता से सिट का अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट किलोमीटर का ये कम कर दे रहा है डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा है जो आवश्यकता होती थी ट्रांसपोर्ट करने की गुश्स को नैरो सिलगुरी कॉरिडोर से उसको ये क्रिएट कर रहा है एक अल्टरनेटिव रूट को जो कि कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से क्या स्टेटस है से इसका अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है पोर्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑपरेशनल हो जाएगा अर्ली नेक्स्ट ईयर तक नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉशिंगटन डिक्लेरेशन तो हम जानेंगे वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में रिसेंटली साउथ कोरियन प्रेसिडेंट योन सुक योई विजिटेड द यूएस ड्यूरिंग द विजिट द टू कंट्रीज साइन दॉशिंग्टन डिक्लेरेशन विच फोकसेस ऑन न्यूक्लियर डिटेन्स स्ट्रेटेजी तो किस कंट्री के साथ इसको साइन किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी हाल ही में जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है योन सुख योई उन्होंने विजिट किया था यूएस को और अपने विजिट के दौरान दोनों कंट्री ने साइन किया था वाशिंगटन डिक्लेरेशन को जो कि फोकस कर रहा है न्यूक्लियर डिटेरेंस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम जानेंगे वाशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में वाशिंगटन डिक्लेरेशन एक एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया है यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया के बीच में किस कंट्री के बीच में साइन किया गया ये आपको याद होना चाहिए ये आउटलाइन कर रहा है एक ज्वाइंट न्यूक्लियर डिटेरेंस स्ट्रेटेजी को क्या मेजर्स है द डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड सेवरल मेजर्स डेट द टू कंट्री विल टेक इन कॉपरेशन टू डिफरेंस ये जो डिक्लेरेशन है ये बता रहा है बहुत सारे मेजर्स को जो कि दोनों कंट्री लेंगे कॉपरेशन में डिफरेंस के लिए जो कि इंक्लूड करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ एन अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन इन कोरियन पेनेसुला डिप्लॉय किया जा सकता है अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को कोरियन पेनेंसुला पे फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंसल्टेटिव ग्रुप टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट रिस्पॉन्स टैक्टिक फॉर्मुलेशन होगा एक नया कंसल्टेटिव ग्रुप का ताकि फॉर्मुलेट किया जा सके जो प्रिंसिपल है ज्वाइंट रिस्पॉन्स टैक्टिक का स्ट्रेंथनिंग ऑफ साउथ कोरिया न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी ये मजबूत करेगा साउथ कोरिया के न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी को नॉन प्रोलिफर क्या हम इसको समझते हैं एंड वुस्टिटर थ्रू एन अलायंस बेस्ड अप्रोच ये जो डिक्लेरेशन है, है कि जो साउथ कोरिया है ये नहीं बनाएगा खुद के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बल्कि फोकस करेगा डिटेरस मिजर्स के ऊपर अलायंस बेस्ड अप्रोच के माध्यम से न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप The declaration makes it possible for the US and South Korea to establish a nuclear consultative group similar to the one that exists between US and NATO. ये जो डिक्लेरेशन है ये पॉसिबल कर रहा है यूएस और साउथ कोरिया के बीच में स्टेब्लिश करने के लिए न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप को जो कि आपका सिमिलर है जैसा कि एग्जिस्ट करता है यूएस और नेटो के बीच में थ्रू दिस ग्रुप साउथ कोरिया कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड कॉर्डिनेशन ऑलडो द न्यूक्लियर वेपन विल बी अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ यूएस इस ग्रुप के माध्यम से साउथ कोरिया जो है उसके पास ज्यादा कंट्रोल होगा न्यूक्लियर रिस्पॉन्स प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को लेकर लेकिन जो न्यूक्लियर विपन होगा उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल यूएस के पास ही रहेगा थॉरिटी की अगर हम बात करें द डिक्लेरेशन मैंडेट द यूएस प्रेसिडेंट एज दी सोल अथोरिटी टू द यूज न्यूक्लियर आर्सिनल ऑफ द यूएस इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंट्रेशन ये जो डिक्लेरेशन है ये मैंडेट करता है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो एक लौटे अथॉरिटी होंगे जो कि उपयोग कर सकते हैं न्यूक्लियर आर्सिनल का यूएस का अगर कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंटेशन होता है तो क्रिटिसिज्म ऑफ द डिक्लेरेशन क्या क्रिटिसिज्म है इस डिक्लेरेशन का जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि, कि ये नहीं अचीव कर रहा है कुछ भी सब्सटेंशियल को और ना ही ये रिट्रीट कर रहा है जो कि पहले से इनहरिन था यूएस साउथ कोरिया अलायंस में चाइना नॉर्थ कोरिया ने क्रिटिसाइज किया इस एग्रीमेंट को क्या सिग्निफिकेंस है इसका इंडिया के लिए इंडिया जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं है इस एग्रीमेंट का लेकिन जो वाशिंगटन डिक्लेरेशन है री एनफोर्स करता है यूएस के कमिटमेंट को इसके अलायस और पार्टनर के लिए इंडो पैसिफिक रीजन पे जिसमें कि इंडिया भी आता है और ये स्ट्रेंथन कर रहा है एक वर्ल्ड के अलायंस को भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस आरएसबी वैक्सीन तो जो रेस्पिरेटरी सेंटिकल वायरस है आर वैक्सीन इसके बारे में हम जानेंगे यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव दर्स्ट इवर रेस्पिरेटरी सिंटीग्रल वायरस वैक्सीन आरएसबी वैक्सीन डेवलप बाय यूकेट फार्मास्यूटिकल कंपनी जीएसके फॉर यूज इन पीपल एज सिक्सटी ईयर एंड ओल्डर तो किसने अप्रूव किया है तो ये इम्पोर्टेंट है जो यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अप्रूव कर दिया है पहले इवर रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस वैक्सीन को जिसको डेवलप किया गया किसके द्वारा तो यूके के बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी जीएसके के द्वारा ताकि इसका उपयोग किया जा सके जो पीपल जिनका एज सिक्सटी ईयर या अधिक है रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस के बारे में जान ले रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस आरएसबी इज ए कॉमन वायरस डेट कैन काउल माइल्ड टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस स्पेशली इन यंग चिल्ड्रेन एंड ओल्डर एडल्ट जो रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस है ये एक कॉमन वायरस है जो कि माइल्ड से सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस करता है स्पेशली यंग चिल्ड्रन या ओल्डर एडल्ट को कैसे यह ट्रांसमिट होता है तो रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी सेक्रेशन सच एज फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग और बाई टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सर्फेस और ऑब्जेक्ट ये जो है स्प्रेड करता है रेस्पिरेटरी सेक्रेशन के माध्यम से जैसे कि कफिंग हो गया स्नीजिंग हो गया या टच करने से कॉन्टेमिनेटेड सरफेस या ऑब्जेक्ट को सिम्टम्स की अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस की तो इसके कारण जो सिम्टम्स होता है जैसे कि कफ आना व्जिंग फीवर रनी नोज और डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में वलरेबल कौन है तो इन्फेंट हो गए ओल्डर एडल्ट हो गए या पीपल जिनका वीक इम्यून सिस्टम है वो सबसे ज्यादा रिस्क में है इस इन्फेक्शन को लेकर किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जा सकता है तो आरएसबी कैन बी डायग्नोज ट्रू ए रेस्पिरेटरी सैम्पल सर्च एज फ्रॉम ए नेशन और थ्रोथ स्वेप दैट इज टेस्टेड इन लेबोरेटरी तो आरएसबी को डायग्नोस किया जा सकता है रेस्पिरेटरी सैंपल के माध्यम से जो कि नेशनल या थ्रोथ स्वेब से लिया जाएगा इसको टेस्ट किया जाएगा लेबोरेटरी पे कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है तो जो ट्रीटमेंट है आरएसबी का वो मेनली सपोर्टिव है जैसे कि फ्लूड देना ऑक्सीजन थेरेपी फीवर रिड्यूसर बहुत सारे केस में हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता भी होती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है टू फर्दर टाइटन इज कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट दी सेंटर एज ब्रॉड विद इन दी एमबिट ऑफ पीएमएलएर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और ज्यादा टाइटन करते हुए अपने कंट्रोल को जो प्रैक्टिस है अकाउंटेंट के ऊपर सेंटर ने लाया है जो एम्बिट है पीएमएलए का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए ये नया रूल क्या कहता है चार्टर अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटेरियट एक्सेट्रा विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू डी नो योर कंपनी प्रोसेस बिफोर कमेंसिंग वर्क जो चार्टर अकाउंटेंट होंगे कंपनी सेक्रेटरी अरियत होंगे उनको अब आवश्यकता होगी नो योर कस्टमर प्रोसेस की अपने वर्क को कमेंट्स करने के पहले दिस इम्प्लाय अकाउंटेंट आर नाउ रिपोर्टिंग इन टाइटिस इफ दे आर मैनेजिंग देयर क्लाइंट मनी ये इम्प्लाई करता है कि अकाउंटेंट जो है वो रिपोर्ट करेंगे इन टाइटिस को अगर वो मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट के मनी को तो क्या सिग्निफिकेंस इसका दिस मूव एम्स एट करविंग फ्रॉडलैंड प्रैक्टिस बाई विच अकाउंटेंट एलिजली हेल्प देयर क्लाइंट टू लॉन्डर मनी ये मदद करेगा कर्व करने में फ्रॉडलैंड प्रैक्टिस को जिसके माध्यम से पहले अकाउंटेंट जो है मदद करते थे अपने क्लाइंट का मनी लॉन्ड्रिंग में लेकिन उसको अब यह रोकने में मदद करेगा आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी ये जो एफर्ट है इसको लिया गया है जो असेसमेंट था इंडिया में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इसके कारण जो कि ग्लोबल रेगुलेटर है जो एसेस करते हैं कंट्री के कम को टैकल करने के लिए ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को वॉट डज दीएमएलए से अबाउट रिपोर्टिंग इनटाइटिस क्या कहता है पीएमएलए रिपोर्टिंग इन टाइटिस को लेकर उनको आवश्यकता होगी मेंटेन करने के रिकॉर्ड को सारे ट्रांजेक्शन की और फर्निश करना होगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सामने अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था 2002 में देखते हुए इंडिया के ग्लोबल कमिटमेंट को जिसमें वेना कन्वेंशन भी इंक्लूडेड है ताकि रोका जा सके मनी लॉन्ड्रिंग को पीएमए इनेबल करता है ऑथोरिटी को कि वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं प्रोपर्टी को जिसको कि अन किया गया हो इलीगल गेन प्रोसीड के माध्यम से वो अपॉइंट करते हैं एजुकेटिंग ऑथोरिटी और अपलेट ट्राइब्यूनल को ताकि वो डील कर सके वैसे मैटर से जो कि कनेक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग से ये जो एक्ट है वो एड करता है कॉन्सेप्ट को रिपोर्टिंग इन टाइटिस के लिए जो कि इंक्लूड करेगा बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरमीडिएट को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है पीएमएलए का साइलेंट फीचर क्या है तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एजुकेटिंग ऑथोरिटी बर्डन अप्रूव और स्पेशल कोर्ट एपलेट ट्राइब्यूनल की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन क्या है इसका चेयर पर्सन और साथ में दो ऑर्डर मेंबर होंगे क्वालिफिकेशन क्या होगा चेयर पर्सन के लिए जो है वो कम से कम जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के या क्वालिफाइड होने चाहिए जज के पोस्ट के लिए हाई कोर्ट के जो मेंबर है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा तो जो मेंबर होंगे इंडियन लीगल सर्विस रेवेन्यू सर्विस इकोनॉमिक सर्विस के हो सकते हैं टेन्यूर इनका क्या है टर्म्स ऑफ फाइव ईयर और टिल द एज ऑफ सिक्स फाइव ईयर विच एवर इज अर्लियर इनका जो टेन्यूर होगा पांच साल का वह सिक्सटी फाइव ईयर ऑफ एज के लिए होगा जो भी अर्लियर होगा फंक्शन क्या होगा तो ये हियर करेंगे अपील्स को जो ऑर्डर होगा एजुकेटिंग ऑथोरिटी और ऑथोरिटी अंडर पीएमएलए उसके अपील को ये हियर करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को स्टैब्लिश किया गया था 1956 में जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंडेट करता है एनफोर्स करने के लिए पीएमएलए को दैट्स ऑल फॉर दिल्ली करेंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें these are our social media links from here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback thank you and have a nice day